अभी मैं रीवा जिले अधीनस्थ गढ़ थाने में हूँ। आरएनएसवल सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गढ़ थाना है। गढ़ थाने में अभी वाहन चेकिंग का जो अभियान चालू है पूरे मध्य प्रदेश अधीनस्थ, यहाँ भी यहाँ फॉलो किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, अधिकांश जो वाहन हैं, वाहन जितने भी चालक हैं, किसी भी सेफ्टी को न करके कहीं न कहीं से अपने जान के जोखिम को डालते हुए यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उसके लिए जो कड़ा जो निर्देश है प्रशासन के अधीनस्थ, यानी हम रीवा SP महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक चेकिंग का अभियान चालू किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अमला है, और इन अमले के साथ में लगभग यहाँ पर 2 दर्जन के आसपास के अभी हाल में आप क्लिप भी देख सकते हैं, यहाँ वाहन चेकिंग की गई। और इसके साथ में ही कार्यवाही के अनुरूप 250 के आसपास के चलान, यानी यथा उचित जिसका जिस हिसाब से जो भी कागजी कार्यवाही या फिर हेलमेट के रूप में जो भी नहीं रहा उसके हिसाब से यहाँ पर चलानी कार्रवाई की गई। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी पुलिस का जो बल है ये थाने के जस्ट सामने में है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ थाना प्रभारी महोदय भी हैं, उनसे भी जानने का मैं प्रयास करूँगा कि आखिर जो यह चेकिंग अभियान है यह कितने दिनों के लिए निर्देशित किया गया है और कब तक ये चालू रहेगा, कितने दिनों तक लगातार चालू रहेगा। तो देखिए, ये बड़ी समस्या होती है गाँव में जब लोग यहाँ पर वाहन लेके आते हैं, कहीं कहीं बड़ा अपने एक जो लापरवाही होती है तो कहीं न कहीं ठहरा दिया जाता है, कई बहाने देखने को मिलते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं चाचा जी भी यहाँ आ रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ भी एक बहाना ठहरा दिया जाएगा। देख सकते हैं पंजाबी ढाबा की यह वाहन है, पंजाबी ढाबा जैसी अगर यहाँ व्यवस्था अगर बात करूँ, एक फेमस रेस्टोरेंट है गढ़ के बीच में, और यहाँ के जो कर्मचारी वो भी कहीं कहीं लापरवाही पूर्वक यहाँ वाहन चला रहे हैं। भैया जी कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं लाल गाँव से। तो क्या दिक्कत हो गई यहाँ पर आपको? चलान कटा रहा है, कहीं सर बोले कि हेलमेट नहीं है। तो ये हेलमेट की जो उपयोगिता होती है आपको पता है? जी सर। तो ये प्रशासन जो कर रहा है तो ये आपके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है? हमारे लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप जनता से क्या बोलना चाहेंगे? सबको हेलमेट लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी लापरवाही है। कितने रुपये का चलान कट रहा है? 250 का। इसमें कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत है, बिना मतलब का है, हेलमेट ले लेते उसी पैसे। अगर मान लीजिए संजोग से अगर आपका मान लीजिए ऐसा ना हो, कोई दुर्घटना हो जाती, तो डॉक्टर की फीस कितने रुपए देते हैं? बहुत कुछ, जितना मांगते अब क्या जाने। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है, लोग अपने जीवन का जो अमूल वक्त होता है इसको नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर देख सकते थाना प्रभारी हैं, इनसे मैं वार्तालाप करने का प्रयास करूँगा। सर बिंदु पर 24 बहुत बहुत स्वागत है। सर जिस तरीके से वाहन चेकिंग का जो अभियान है गढ़ थाना में भी देखने को मिलता आया है और आज भी देखने को मिल रहा है, भैया थोड़ा साइड हो जाइएगा। तो सर ये जो वाहन जितने भी लेके चलते हैं तो कितने परसेंटेज लापरवाही पूर्वक देखने को मिल रही है? लगभग 90% तो जाते हैं लोग गलत करके, जो हेलमेट नहीं लगाते, और कभी 4 सवारी बैठते हैं बेतरतीब रूप से, तेज़ लापरवाही से चलते हैं, ये सारी चीज़ें लापरवाही मोटर व्हीकल एक्ट में है। तो सर ये कुल मिला के पूरे मध्य प्रदेश का जो निर्देशन रहा है लगभग सेफ्टी को लेकर के, तो गढ़ थाने में भी अनवरत चालू रहेगा या फिर बीच में बंद हो जाएगा? नहीं, अनवरत चालू रहेगा। तो सर ये जितने भी वाहन लापरवाही पूर्वक चलाते हैं उनके लिए ये संदेश क्या देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब मोटर व्हीकल के नियमों का कड़ाई से पालन करें और दुर्घटना से बचें और अपना। तो सर ये जो लोकल लोग होते हैं इनसे कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, कुछ समझाइश के रूप में भी दिया जाता है कि 100% चलानी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, समझाइश भी दिए जाते हैं कि भाई आप अपना जीवन सुरक्षित रखिए, मोटर व्हीकल एक्ट नियमों का पालन करिए, जिससे आपका परिवार खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहिए और अच्छे से काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए ये थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन रहा है, और लगभग हम सभी जितने भी लोग वाहन चलाते हैं और कहीं न कहीं अपने ज़रूरी कार्य से जाते हैं तो अपने सेफ्टी को ध्यान रखें, वाहन पूरी तरह से भी कागज़ इसके होते हैं तो उसको ले करके चलें, जिससे कहीं आनिंदा कहीं कोई दिक्कत ना पड़े। इसी साथ देख रही 24 जय हिंद।